हेलो एवरीवन, टुडे वी विल सॉल्व फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 10A क्लास 7 RS अग्रवाल मैथ। इससे पहले वीडियो में 1 to 6 कंप्लीट हो गए हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और आज हम 7 से स्टार्ट करते हैं। एंड द क्वेश्चन 7 इज फाइंड 32% ऑफ 425। चलिए करते हैं। तो 32% ऑफ 425, इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? x परसेंट ऑफ y, हमने बताया था क्या होता है, x इंटू वाई अपॉन 100। तो x की वैल्यू 32 है, y ये है, तो इट इज इक्वल 32 इंटू 425 अपॉन 100। अब हमें सिंपल इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं। 25 से कैंसिल कर दो, 25 फोर जा 100, 25 वन जा 25, 17 बचा, और 5 तो 175, तो 25 7 जा 175 होते हैं, और 4 वन जा 4 8 जा 8 का मल्टीपल कर दो, 8 7 जा 56 कैरी ओवर 1, 8 वन जा 8 और 5 13, तो आंसर इज 136 ऑफ फर्स्ट पार्ट। सेम इसी के 3-4 पार्ट है। नाउ वी विल डिस्कस इन सेकंड पार्ट, एंड द सेकंड पार्ट इज 16 whole 2/3% of 16। तो क्या हो गया, ये वही हो गया x इंटू वाई अपॉन 100, x की वैल्यू ये y है ना, तो 16 whole 2/3 into 16 और अपॉन 100। तो दिखाते हैं, अब इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लो, 3 का जब 16 में करेंगे, 16 3 जब 48 और 250 इंटू 16 और 3 का आएगा अपॉन में 100 ऑलरेडी है, तो देखो 15 बन जा 15 2 जा 2 8 जा, तो आंसर इज 8/3। और 8/3 को अगर मिक्स फ्रैक्शन लिखें तो ये बोलो 3 का डिवाइड 8 में कर दो, 3 2 जा 6 रिमाइंडर 2, तो 2 whole 2/3 इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट थर्ड पार्ट, एंड द थर्ड पार्ट इज 6.5% ऑफ 400। तो क्या हो गया, ये भाई x परसेंट ऑफ y, x इंटू वाई, यानी कि 6.5 इंटू 400 अपॉन 100, 20 से 20 कैंसिल, 4 से मल्टीप्ली कर दो, 4 5 जो 20 कैरी 2, 4 6 जो 24 और 2 26 वन प्लेस के बाद पॉइंट, तो कितना हो गया 26। तो 26 इज द आंसर ऑफ थर्ड पार्ट। नाउ फोर्थ पार्ट, एंड द फोर्थ पार्ट इज 136, लिखता हूं मैं भी, फोर्थ पार्ट क्या आपका 136% ऑफ रुपी नहीं वो नीचे है ऑफ 70। हाँ यही है, तो ये क्या हो जाएगा 136 इंटू 70 अपॉन 100, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया है ना। अब देखो क्या तरीका है, ये नहीं कि इसे कैंसिल कर रहे हैं, या तो पूरी बार कैंसिल हो रहा तब तो सही है, क्योंकि डेसिमल 10 से डिवाइड करना ही होता है, तो 7 से मल्टीपल कर दो, सिर्फ 7 6 जाओ 42 कैरी 4, 7 3 जा 21 और 4 25 कैरी 2, 7 बन जाए 7 अपॉन 2 कैरी के थे तो 1 प्लेस के बाद, तो ये हो जाएगा 95.2। मतलब समझ, ये नहीं कि हम 2 से कैंसिल कर रहे हैं अपॉन 5 फिर 5 का डिवाइड कर रहे हैं, तो ये लंबा हो जाता प्रोसेस, तो ये कैंसिल करने से पहले 0 से 0 कैंसिल हो तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि नीचे तो 0 है, एक प्लेस के बाद डेसिमल, या पूरी संख्या कैंसिल हो रही होती, कहीं 5 होता कहीं 2 होता तब तो सही है, ये नहीं कि 2 से हमने कैंसिल किया 2 5 जा और 2 6 जा 2 है, अब मल्टीपल कर रहे हैं फिर 5 से डिवाइड कर रहे हैं, काम बढ़ गया वो है ना। तो कैंसिल करने का भी एक तरीका होता है, दिमाग में रखना चाहिए कि हम काटें या ना काटें, अगर अपॉन में 100 आ रहा है तो कोई जरूरत नहीं है, बढ़ सकते हैं, 0 से 0 कट रहा तो बात लग रही, वरना 100 को 100 दे दो, मल्टीपल कर लो और 2 प्लेस के बाद डेसिमल आ जाएगा है ना। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, अब क्वेश्चन नंबर 7, 2.8% ऑफ 35। तो क्या हो गया, 2.8 इंटू 35 अपॉन 100। ओके, अब मैं से कैंसिल करूंगा, आपको कैंसिल कर रहे हैं मुझे पता है, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा 5 7 जा और 5 2 जा, क्योंकि 2 से कैंसिल हो जाएगा 10 आ जाएगा ना, 2 से कैंसिल करा 1.4 2 से 10, अब कोई
अभी भी कट रहा है लेकिन नीचे 10 है तो क्या फायदा, मल्टीप्ली कर दो, 7 4 जा 28, कैरी 1 7 1 जा 7, एक प्लेस के बाद डेसिमल, 2 कैरी के थे 9 हो गया, अपॉन में 10, जब 10 का डिवाइड करोगे तो डेसिमल 1 प्लेस बैकवर्ड जाएगा, तो यानी कि 0.98 इट इज द आंसर ऑफ फिफ्थ पार्ट, मीन्स 2.8% ऑफ 35। ओके नाउ नेक्स्ट एंड द लास्ट पार्ट इज 0.6% ऑफ 45, इसका मतलब वही 0.6 × 45 अपॉन 100। चलो मल्टीपल कर देना डायरेक्ट, 6 5 जा 30, कैरी 3, 6 4 जा 24 और 3 27, और 1 प्लेस के बाद डेसिमल है तो 1 प्लेस का डेसिमल आ गया, अपॉन 100 है तो डेसिमल 2 प्लेस वर्क बढ़ जाएगा, तो 0.27 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर एट भी सेम 7 की तरह है, बस इसमें हमें कुछ यूनिट दे रखी है, मतलब क्या बताते हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट, फाइंड 25% ऑफ रुपीज 76, तो जो आंसर आएगा रुपए में आएगा और कुछ नहीं है इसमें, इतना है। तो चलो करते हैं, बाकी सेम है, 25 × 76 अपॉन 100, 25 1 जा और 25 4 जा 100, 4 से कैंसिल कर दिया, 4 1 जा 4 1 जा 4, 3 और 4 9 जा, तो कितना आ गया 19 रुपीज, ये रुपीज था तो रुपीज लिख लोगे, तो 25% ऑफ 76 रुपीज किसके इक्वल होंगे, 19 रुपीज के। नाउ सेकंड पार्ट, एंड द सेकंड पार्ट इज 20% और रुपीज 132, तो वही एक्स परसेंट ऑफ वाई इज इक्वल एक्स यानी कि 20 × 120 32 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल कर दो, बाकी मल्टीप्लाई कर दो, 264 अपॉन 10, ये कितना आ गया 26.4, और क्या था रुपीज में, तो रुपीज हो गया 26 रुपीज 4, और 0.4 के बजाय 40 लोग तो अच्छा है ना, क्योंकि 26 रुपये 40 पैसे हुए, इसको आप अलग अलग भी ले सकते हो, और अगर खाली 0.4 भी छोड़ दोगे तो नो प्रॉब्लम, सही है, लेकिन पैसे क्या होते हैं 2 डिजिट्स में, तो इसे 2 डिजिट्स में कर लिया है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, है ना। नाउ नेक्स्ट थर्ड पार्ट, 7.5%, हमें 7.5% निकालना है किसका, 600 मीटर का, तो पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं, लास्ट में यूनिट लिख देते हैं, तो ये क्या होगा 7.5 × 600 अपॉन 100, 20 से 20 कैंसिल, सिंपल मल्टीपल, 6 5 जा 30, कैरी 3, 6 7 जा 42 और प्लस 3 45, और 8 डिजिट्स के बाद डेसिमल, यानी कि 45 मीटर इज द आंसर। ओके समझ में आ गया। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, एंड द फोर्थ पार्ट इज 3 होल 3 3 होल 1/3% ऑफ 90 किलोमीटर, या तो यही सॉल्व कर लो, 3 3 9 10 अपॉन 3, इसका मतलब है 10 अपॉन 3% ऑफ 90 किलोमीटर, अब तो हो गया क्या 10 अपॉन 3 × 90 अपॉन 100, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 30 बार, 2 0 से 2 0 कैंसिल, सीधा सीधा आंसर आ गया 3 किलोमीटर। ओके नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, छोटे छोटे सवाल है, इन कर देता हूं, एंड द फिफ्थ पार्ट इज 8.5% ऑफ 5 kg, 5 किलोग्राम का 8.5% निकालना है, तो 8.5 × 5 अपॉन 100, बस मल्टीपल करना है, 5 5 जा 25, कैरी 2 5 8 जा 40 + 2 42, 8 डिजिट्स के बाद डेसिमल अपॉन 100, 100 तो डेसिमल पीछे जाएगा 2 प्लेस, 0.425 kg, और 0.425 kg का मतलब क्या था, ग्राम, इसे हम ग्राम भी ले सकते हैं, 425 ग्राम, जब हम 1000 से मल्टीपल करेंगे तो 3 प्लेस से डेसिमल कैंसिल, 425 ग्राम, या इतने केजी या इतने ग्राम। नाउ नेक्स्ट पार्ट, 20% ऑफ 12 लीटर्स, तो क्या हो जाएगा ये 20 × 12 अपॉन 100, 0 से 0, 12 2 जा 24 अपॉन 10 का मतलब 2.5 लीटर्स, सॉरी 2.4 लीटर्स, इट इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एंड द क्वेश्चन 9 इज फाइंड द नंबर
हूज 13% एज 65। इसका 13% कोई नंबर है, उसका 30% दे रखा है 65। शॉर्ट के लिए मैंने लिख दिया। अब यहां से सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले एज्यूम कर लो लेट द नंबर बी एक्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर का 13% यानी कि ओहो ये हो गया क्वेश्चन 13% ऑफ एक्स और ये दे रखा है किसके 65। इस तरह के सवाल तो हम अभी ऊपर से नीचे तक करते आ रहे हैं इतने सारे। 13% ऑफ एक्स क्या हुआ, 13 इंटू एक्स अपॉन 100 इज इक्वल 65। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ले तो एक्स की वैल्यू निकलेगी, एक्स इज इक्वल 100 ऊपर जाएगा, 65 इंटू 100 और 13 नीचे, 13 बन जा 13 5 जा, वैल्यू ऑफ एक्स इज 500। एक्स हमने नंबर माना था तो रिक्वायर्ड नंबर इज 500। तो रिक्वायर्ड नंबर इज 500। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 सेम, बिल्कुल सेम है। फाइंड द नंबर हूज 6 होल 1/4% इज 2। तो सबसे पहले मान लो लेट द नंबर बी एक्स, या रिक्वायर्ड नंबर भी लिख सकते हो आप, लेट रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स है ना। अब वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 होल 1/4% ऑफ एक्स इस नंबर का, ये हमें गिवन है किसके 2 के। तो हो गया सॉल्व, ये कितना हो गया 4 6 24 अपॉन +1 5/4, इसका परसेंट एक्स का, तो क्या होगा इनटू एक्स अपॉन में 100 इट्स इक्वल 32। तो देखो 25 बन जाए, 25 4 जाए, तो कैंसिल हो गया सिंपल सिंपल। तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई 32 × 4 × 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बोलते हैं 4 4 या 16 16 2 या 32 16 3 या 48 और 3 51। 512 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। समझ में आ गया है ना, क्वेश्चन तो आंसर कुछ और, एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या था, हमने मिस्टेक तो नहीं कर दी है। 6 होल 1/4 6 4 या 25 24 है 25/4 एक्स परसेंट, तो इनटू एक्स अपॉन 125, अरे 2 दे रखा है, ये 32 लिख लिया मैंने, क्या है 32 दे रखा है ना, तो 4 4 या 16 2 जा 32 32 आंसर हो गया, आंसर इज 32। समझ में आ गई, 2 था है ना, हमने यहां गलती से 32 लिख लिया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, जल्दी तो नहीं लग रहा है, चलो तो अब आराम से करते हैं। व्हाट अमाउंट इज 10% मोर देन 90, ये पूछा है वो अमाउंट कितना है जो 10% मोर है किससे 90 से। तो सबसे पहले तो आप 90 का 10% निकाल लो, जो भी आएगा, सपोज वैसे 9 आएगा है ना, 9 आया तो 90 से 9 अधिक कितना होगा 90 + 9 99। तो फर्स्ट वी विल फाइंड द 10% ऑफ 90, देखो 10% ऑफ 90 इज इक्वल क्या होगा 10 × 90/100, वही फॉर्मूला से एक्स परसेंट ऑफ वाई इज एक्स इंटू वाई अपॉन 100। अभी ऊपर जो ये तो सवाल कर रहे थे सारे, ये 0 से 0 कैंसिल, तो 10% ऑफ 90 आ गया 9। तो पूछा क्या था, व्हाट अमाउंट इज 10% मोर देन 90, तो लिख दो, तो 10% मोर देन 90 इज 90 प्लस, और 10% ऑफ 90 का हम ऑलरेडी निकाल चुके 9, ये कितना आ गया 99। तो 99 इज द आंसर। सेम क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें मोर देन था उसमें लेस देन कह रहा है कि व्हाट अमाउंट इज 20% लेस देन ₹60, ये भी रुपी में दे रखा था, ₹90 था तो इसे रुपी और लिख लेना, सॉरी रुपी लिखा था मैं पढ़ना भूल गया है ना, तो रुपी में आंसर जाएगा ₹99। ओके सेम नेक्स्ट है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन क्या है, व्हाट अमाउंट इज 20% लेस देन ₹60। तो सबसे पहले हम 20% ऑफ 60 निकाल लें, 20% ऑफ 60 इज 20 × 60 / 100, वो एक्स परसेंट ऑफ वाई इज एक्स इंटू वाई अपॉन 100, तो सेम हमने यहां कर लिया। तो देखो एक 0 से 0, ये 0 से 0, तो कितना आ गया 12, 60 रुपीज रखा है।
तब ये पूछा था कि 60 रुपीज से इतने कम क्या होंगे, क्योंकि 20% क्या था, मैं दोबारा पढ़ता हूँ, व्हाट अमाउंट इज 20% लेस देन 60, 60 से 20% कम क्या होगा, यानी कि 60 का 20% 12 है, अब 60 में से 12 माइनस कर दें वो आंसर हो जाएगा। तो आप लिखो नेक्स्ट लाइन में कि 20% लेस देन रुपी 60 इज, तो 60 में से जो 20% हमने निकाला है उसको आप सबट्रैक्ट कर दो, 60 में से 12 को सबट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, 48, और 10 में से 2 गया 8, यहाँ 5 रह गया, 5 में से बन गया 4, तो आंसर इज 48 रुपीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, छोटा सा ही हो जाएगा। 13 ये है, 3% ऑफ एक्स इज 9, तो बस हमें ये लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3% ऑफ एक्स इज इक्वल 9, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो फॉर्मूला लगा दो क्या होता है, 3 × x/100 इज इक्वल टू 9, तो देखो 9 3 से कैंसिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स इज इक्वल टू 9 × 100/3, 3 से 9 3 बार कैंसिल, ये 3 है, 100 3 जा 300, तो वैल्यू ऑफ एक्स इज 300, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 14। देखो 14 भी सेम है, 14 ये है, इफ 12.5% ऑफ एक्स इज 6, तो बस लिख दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या दे रखा है कि 12.5% ऑफ एक्स इज इक्वल 6, तो बस फॉर्मूला लगाना एक्स वैल्यू निकलेगी, इसका मतलब क्या होता है, 12.5 × x/100, ये तो होता है इक्वल में क्या है 6, क्या हुई x परसेंट ऑफ y, x × y/100, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो x निकलाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 100 ऊपर जाएगा अपॉन 12.5, यहां तक क्लियर, डेसिमल को हटा रिमूव करो तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा क्योंकि डेसिमल वन प्लेस के बाद है, ये तो पता है आपको। अब कट फिट कर लीजिए, मतलब कैंसिल कर लीजिए, 25 से कैंसिल करते हैं, 25 5 जो होते हैं 125, शुरू के 100, 25 4 जा 100 और 0 का 0, 5 1 जा, और 5 से 45 8 जा, तो क्या रह गया 6 × 8, और 6 × 8 का मतलब 48, यानी कि वैल्यू ऑफ एक्स विल बी 48, यही फाइंड करना था बस एक्स की वैल्यू, तो कितनी इजी और कितनी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, दो ही क्वेश्चन रह गए इस एक्सरसाइज के, 15 और 16। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 15, एंड द क्वेश्चन 15 इज व्हाट परसेंट ऑफ 84 इज 14, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, 84 इज 14, मतलब 84 का कितना परसेंट 14 है, तो हमें पता नहीं है, तो मान लेंगे एक्स, क्या लिखेंगे, लेट एक्स परसेंट ऑफ 84 इज 14, तो समझ में आ गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हुआ, वो जो लिख रहा है ऊपर एक्स परसेंट ऑफ 84 इक्वल 14, अब तो वही फॉर्मूला लगा दो, हो गया सॉल्व, x × 84/100, एक्स परसेंट ऑफ 84 का मतलब x × 84/100, और इक्वल क्या दे रखा है 14, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 100 ऊपर जाएगा और 84 का आएगा नीचे आएगा, ओके 14 6 जा कुछ होते हैं, 14 1 जा 14, 14 6 जा 84, ये टेबल याद होनी चाहिए, वरना 2 से काट से करो, अभी फिर कैंसिल होगा, 2 3 जा, तो एक्स की वैल्यू आ गई 50/3, और ये परसेंटेज था ये परसेंटेज, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेना चाहिए, मिक्स फ्रैक्शन में जानते हो 3 से डिवाइड करोगे 50 में 16 होल 2 बाई आ जाएगा, 16 3 जा 48, रिमाइंडर 2, तो कितना है 16 होल, जो रिमाइंडर होता है ऊपर और जिससे डिवाइड करते हैं वो नीचे, ये तो जानते हो आप, तो 16 होल 2/3%, यानी कि 84 का कितना परसेंटेज, 64 2/3% किसके इक्वल आएगा 14। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, इन दिस क्वेश्चन देयर आर 6 पार्ट, इस क्वेश्चन में 6 पार्ट हैं, चलिए करते हैं, बहुत सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 16 फर्स्ट पार्ट, परसेंटेज जैसे ये करा उसी तरह का है क्वेश्चन, ये पढ़ता हूं आपके लिए, ध्यान से सुनिए, व्हाट परसेंटेज
रुपी 50 ऑफ 120। एक क्वेश्चन में शॉर्ट में लिख देता हूँ, ये पूछा है रुपी 15 ऑफ रुपी 120 का कितना परसेंटेज है। जैसे ऊपर करा था, लेट रुपी 15 इज एक्स परसेंट ऑफ रुपी 120। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स परसेंट ऑफ 120, एक्स परसेंट ऑफ 120 इज 15। इसको सॉल्व कर लो, एक्स इंटू 120 अपॉन 100 इज इक्वल टू 15। जीरो से जीरो कैंसिल, बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे। चलो एक्स इज इक्वल 15 इंटू 10 अपॉन 12, 3 से कैंसिल हो रहा है। देखो 3 4 जा, 3 5 जा, 2 2 जा, 2 5 जा, वैल्यू ऑफ एक्स इज 25/2। और 25/2 को अगर डिवाइड करोगे तो 12.5% आ गया आंसर, है ना। तो 12.5% आंसर हो गया। तो लिखना चाहे लिख सकते हो कि 12.5% ऑफ रुपी 120 इज रुपी 15। नाउ सेकंड पार्ट, नाउ द सेकंड पार्ट इज 36 मिनट ऑफ 2 आवर। 36 मिनट 2 आवर का कितना परसेंटेज है, तो हमने मान लिया एक्स, लेट एक्स परसेंट ऑफ 2 आवर्स इज 36 मिनट। यहाँ मिनट है या आवर, तो दोनों को सेम कर लो। तो मैंने सिस्टम में इसको मिनट में कन्वर्ट कर लिया। 2 आवर में कितने मिनट होते हैं, 120। तो वही लिख रही है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स परसेंट ऑफ 120 मिनट इज 36। और एक्स परसेंट ऑफ 120 मिनट का मतलब एक्स इंटू 120 अपॉन 100 इज इक्वल 36। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर सकते हैं, 12 3 जा 30 आ जाएगा। लेकिन चलो इतनी जल्दी भी क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करके दिखाता हूँ। 10 ऊपर जाएगा और 12 नीचे, 12 बन जा, 12 3 जा, तो कितना आ गया 30। एक्स का मतलब एक्स परसेंट है ना, तो 30% हो गया। तो नेक्स्ट लाइन में लिख दो कि 30% ऑफ 2 आवर्स इज 36 मिनट। नाउ नेक्स्ट थर्ड पार्ट, नाउ थर्ड पार्ट एंड द थर्ड पार्ट इज 8 आवर्स ऑफ 2 डेज, यानी कि 8 घंटे 2 डेज के कितने परसेंटेज हैं। अब वही यहाँ आ रहे हैं डे, तो हमने डेज को आर में कन्वर्ट कर लिया। हमें मालूम है 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, तो 2 डेज इज इक्वल टू 2 × 24 यानी कि 48 आवर्स। तो क्वेश्चन क्या हो गया, हमने मान लिया कि एक्स परसेंट है 2 डेज का, 2 डेज का 48 है ना। तो हमने लिख लिया लेट एक्स परसेंट ऑफ 48 आवर्स इज 8 आवर्स। तो क्या हो जाएगा, एक्स इंटू 48 अपॉन 100 इज इक्वल 8। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसे बोलते हैं, 100 ऊपर 48 नीचे, 8 बन जा, 8 6 जा, 2 3 जा, 2 50 जा। तो एक्स की वैल्यू आ गई 50/3, और 50/3 का मतलब 16 होल इतने वाई इतने, मतलब 16 होल 2y 3। तो आंसर क्या हो गया, क्या लिखोगे, 16 होल 2y 3% ऑफ 2 डेज इज 8 आवर्स। समझ में आ गया। नाउ फोर्थ पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, दिस क्वेश्चन, एंड द फोर्थ पार्ट इज 160 मीटर, 160 मीटर ऑफ 4 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं भाई, कितने होते हैं 1000, तो 4 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे 4000 मीटर। ये तो है 1 किलोमीटर इज इक्वल 1000, तो 4 किलोमीटर लिख दूं डायरेक्ट 4000 मीटर। तो हमने मान लिया एक्स है, तो लेट रिक्वायर्ड परसेंटेज, शॉर्ट में लिखना हो तो रिक्वायर्ड परसेंटेज ऐसे लिख सकते हो, रिक्वायर्ड परसेंटेज को ऐसे लिखता हूं परसेंटेज वी एक्स। तो यानी कि क्या हो गया, एक्स परसेंट ऑफ 4000 मीटर किसके इक्वल है, 160 मीटर। जो सॉल्व करते हैं यूनिट को हटा देते हैं, यूनिट ब्लास्ट में, तो एक्स परसेंट ऑफ 4000 का मतलब क्या हो गया, एक्स इंटू 4000 अपॉन 100 इज 160। 1 से 10, सेकंड से सेकंड 0, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 160/40। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 1 जा, 4 4 जा, वैल्यू ऑफ एक्स इज 4, यानी कि क्या हुआ, 4% ऑफ 4 किलोमीटर इज 160 मीटर। नाउ सेकंड लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट, नाउ फिफ्थ पार्ट एंड द फिफ्थ पार्ट इज
175 ml ऑफ 1 लीटर, ऊपर तो ही की बात, परसेंट ऑफ 175 ml ऑफ 1 लीटर, ये मिलीलीटर और लीटर। तो वी नो डेट 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml, तो 1 ईयर तो 1000 ml हो गया, यानी कि हमें ये फाइंड करना है कि 175 ml 1000 ml का कितना परसेंटेज है। तो सेम मान लिया हमने, लेट x परसेंट ऑफ 1 लीटर इज 175 ml, तो क्या होगा ये x 1 लीटर का मतलब मिलीलीटर 1000 ml अपॉन 100 इज इक्वल 175 1 2 1 2 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो x इज इक्वल 175 upon 10, यला 10 एक डिजिट्स के बाद डेसिमल आ जाएगा 17.5, यानी कि आंसर हो गया इतने परसेंट। तो क्या हो जाएगा 17.5% ऑफ 1 लीटर इज 175 ml। समझ में आ गया। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 16, और इस वीडियो का भी लास्ट सवाल है, चलिए करते। एंड द क्वेश्चन इज 25 पैसे ऑफ रुपी 4, यानी कि 25 पैसे 4 रुपीज का कितना परसेंटेज है, ये पैसे में है रुपए में, तो ये तो आप जानते हो, डायरेक्ट लिख देता हूँ है ना कि एक पैसे में, सॉरी ये 1 रुपीज इक्वल 100 पैसे, तो 4 रुपीज कितने पैसे के बराबर होंगे, 400 पैसे, ये तो पता है ना। तो हमें ये निकालना है 25 पैसा 400 का कितना परसेंटेज है। तो हमने मान लिया लेट ये x परसेंट है, कि x परसेंट ऑफ 400 पैसे इज 25 पैसे, तो इसको क्या लिखते हैं हम, x परसेंट ऑफ 400 का x इंटू 400 upon 100, इट इज इक्वल 25, 20 से 20 कैंसिल, तो x इज इक्वल, दिखाता हूं मैं अभी आपको, x इज इक्वल 25 upon 4, तो x की वैल्यू क्या होगी 6 होल, कैसे, अरे 4 से डिवाइड कर रहे हैं हम, 4 का डिवाइड 25 में, 4 6 24, रिमाइंडर बार कोशेंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ये तो होता है इतना परसेंट हो गया आंसर। तो आंसर क्या हो गया कि 6 होल या 6.25 भी लिख सकते हो, या मिक्स फ्रैक्शन में, वो आपकी मर्जी है। तो 6 होल 1 upon 4% ऑफ रुपी 4 इज 25 पैसे, और ये पार्ट आपका पूरा हुआ, और इस तरह आज आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, और मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं उसका सॉल्यूशन आपको ही कमेंट पर्सनल कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, है ना, और अगर जरूरत होगी वीडियो बनाने की तो वीडियो बना दूंगा, है ना। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हों, पहली बार वीडियो देख रहे हों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को पुश कर दें, जिससे इसके आगे के पार्ट में जब डालूं तो वो आपकी मिक्स ना हो, एक्सरसाइज 10B, है ना। और पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी उसका फ़ायदा उठा सके, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो आजकल कोचिंग ट्यूशन तो सब बंद हैं, तो जिसको भी प्रॉब्लम है तो आपकी निःशुल्क चल रही है ऑनलाइन, है ना, यूट्यूब पर है ये, तो आप एक एक सवाल पूछ सकते हैं, और जो भी डाउट हो वो भी झिझक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वो भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करी जाएगी। थैंक यू।